थिएटर में इन दिनों महासंग्राम होने वाला है। जी हाँ, इस हफ्ते कई बड़ी बजट की फिल्में रिलीज होने जा रही है, जिसका दर्शक एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहली फिल्म सनी देओल की गदर 2 है, जो साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। वहीं दूसरी मूवी ओएमजी 2 है, जिसमें अक्षय कुमार एक दमदार स्टोरी में दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आएंगे। वहीं इन दोनों के अलावा साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर भी स्वतंत्रता दिवस के समय ही रिलीज होगी। आइए जानते हैं तीनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग का क्या हाल है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग आसमान छू रही है। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म एडवांस बुकिंग के आंकड़े में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल कर रही है। तरण आदर्श के अनुसार फिल्म ने अब तक 1,37,894 टिकटें बेची हैं। तीन नेशनल चेन पीवीआर आईनॉक्स सिनेपोलिक्स में बुकिंग की स्थिति की बात करें तो अब तक लगभग 1,05,300 टिकटें बिक चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मास सर्टिफिकेट और सिंगल स्क्रीन संपत्तियों में एडवांस टिकटों की बिक्री भी शानदार है। हालांकि ओएमजी 2 के एडवांस बुकिंग के आधिकारिक आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सैनिक.com में बताया गया है कि फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में 26,000 टिकटें बेची हैं और 80 लाख रुपए का कलेक्शन कर सकती है। दूसरी ओर सैनिक में यह भी बताया गया है कि जेलर की स्क्रीनिंग के पहले दिन की एडवांस बुकिंग पहले ही 10 करोड़ रुपए के प्रभावशाली कमाई को पार कर चुकी है। फिल्म ने 2023 में तमिल फिल्म के एडवांस बुकिंग के मामले में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल किया है। रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में एक मानी जा रही है। कथित तौर पर जेलर ने एडवांस बुकिंग से पहले 19 करोड़ रुपए की अधिक कमाई कर ली और रिलीज होने में अभी एक दिन बाकी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।